हेलो फ्रेंड्स, आज आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जो गैडी ब्लॉगर। एंड आज हम आपको बताएंगे कि अपने प्रिंटर को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर शेयर कैसे करते हैं। तो मैं आपसे पहले अनुरोध कर दूँगा कि आप पहले चैनल और वीडियो को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। आपको ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं, पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्टली मैं यूज़ कर रहा हूँ विंडो 10, तो बहुत ही सिंपल तरीका है करने का। पहले आप यहाँ जाइए और नॉर्मल डिवाइस एंड प्रिंटर का ऑप्शन खोलिए। यहाँ सीधा कंट्रोल पैनल भी खोल सकते हो। आपको डिवाइस एंड प्रिंटर में जाना है और सबसे पहले यहाँ पर ये प्रिंटर जो आपने अटैच करा हुआ है उसको आप शेयरिंग ऑप्शन में करना है। आप इसके अंदर प्रिंटर प्रॉपर्टीज में जाएंगे, शेयरिंग में जाएंगे। यहाँ मेरा पहले से शेयर है, अब यहाँ पे अनक्लिक होगा, आपको इसको क्लिक करके शेयर कर देना। और उससे पहले उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ये आपका सेम नेटवर्क से कनेक्ट हो, तो फिर आपको नेटवर्क शेयरिंग ऑप्शन में जाना है। देन आपको एडवांस शेयरिंग ऑप्शन में जाके अपने फाइल्स और प्रिंटर को टर्न ऑन रखना है। मेरा ये पहले से ऑन है, आपका यहाँ ऑफ होगा, आपको ये ऑन कर देना। देन वो नीचे सेव चेंज करेगा और सेव चेंज करके इसको चेंज कर देना है। देन उसके बाद आपको उसी प्रिंटर जिसमें आपका जिससे आपने शेयर करना है आपको उसमें सेटिंग करनी है। जैसे ये मेरा दूसरा कंप्यूटर है, मैं इसके अंदर मेरा प्रिंटर कनेक्ट नहीं है और मैं इसको नेटवर्किंग में कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो इसमें बहुत ही सिंपल तरीका है। आप यहाँ पर जाके इसका डिवाइस एंड प्रिंटर ऑप्शन खोलेंगे। आफ्टर यहाँ पे ये मेरा कनेक्ट है, वो आईपी पे आ जाएगा। आपको ऊपर जाके ऐड प्रिंटर करना है। ऐड प्रिंटर में आपको सिलेक्ट करना है ऐड ए नेटवर्क प्रिंटर। जो आपको उस नेटवर्क से कनेक्ट होगा वो ऑटोमेटिक इसके अंदर शो कर जाएगा। जैसे ये मेरे तीन प्रिंटर कनेक्ट हैं, अगर आपको जो मेरे ये तीन प्रिंटर पहले से ही कनेक्ट हैं तो मैं अभी ये प्रोसीड नहीं करूँगा, बट आपको क्या करना है इसको ओके करके नेक्स्ट कर देना है और आगे सेव कर देना है और ये आपका प्रिंटर जो है कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद ये नया ऑप्शन बन के आ जाएगा विद आईपी एड्रेस के साथ नीचे। जैसे मेरे तीन प्रिंटर कनेक्ट हैं तो ये इसका एक ड्राइवर तो ये आ रहा है, दूसरा ये, तो आपको हमेशा आईपी वाले पे प्रिंट करना है, दूसरे वाले पे प्रिंट आपका नहीं जाएगा। मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने एक वर्ड की फ़ाइल खोली, मैं यहाँ प्रिंट पे जाता हूँ, ये देखिए इस पे आ रहा है नेटवर्क। ये मेरा नेटवर्क पे कनेक्ट है, ये मेरा उस डेस्कटॉप से कनेक्ट है, तीनों ये नेटवर्क पे आ रहे हैं और उसका अदर ड्राइवर भी आ रहा है। और जैसे मान लीजिए मुझे करना है HP 1020, तो HP 1020 का नेटवर्क पे भी आ रहा है और HP 1020 का नॉर्मल भी आ रहा है, तो मेरे को नेटवर्क वाले पे जाना है। नेटवर्क वाले पे जाके मैं प्रिंट करूँगा, वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही सिंपल और अच्छा लगा होगा। तो चाहेंगे जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें।